प्रदेश में लहसुन के सबसे अधिक उत्पादन वाले क्षेत्र और प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी नीमच में इस समय लहसुन के भाव औंधे मुंह गिर जाने के चलते ये मामला पूरे नीमच से लेकर दिल्ली तक सुर्खियों में बना हुआ है। खास करके मीडिया ने इस पूरे मामले को उठाया है और किसानों की पीड़ा को बताया है कि किस तरीके से किसान जो है अपनी लागत मूल्य तो छोड़े वे अपने मंडी तक लाने का भाड़ा तक नहीं निकाल पा रहे हैं। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन, उनसे जानेंगे कि मुस्तफा जी बताइए ये जो लहसुन का जो पूरा मामला है, हमारा इलाका पूरा बड़ा एक इलाका जहाँ पे बड़ी तादाद में लहसुन यहाँ किसान बोते हैं, लेकिन अभी जिस तरह के देखने में आया कि चुनाव के बाद बड़ी उम्मीद थी किसानों को कहने के भाव में थोड़ा वेरिएशन आएगा, भाव उनको मिलेंगे, लेकिन उसके उलट हुआ कि भाव गिरते गए और आज स्थिति है कि 2 से 6 रुपये या 8 रुपये तक लगभग एवरेज माल जो है लहसुन बिक रही है। तो क्या हुआ, ऐसा क्या हो रहा है और क्यों इस तरह की परेशानी है, जबकि हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी की लहसुन ये मानी जाती है कि नीमच क्षेत्र में होती है। बिल्कुल ठीक कहा श्याम, पूरा मामला उल्टा पुल्टा हो गया है और पूरी तरह से जो लहसुन के दाम हैं वो अंधे मुंह गिर गए हैं। जो दूर दराज का किसान जो नीमच की मंडी है उसमें समूचे मालवा से और मेवाड़ से लोग आते हैं वो अपनी लहसुन नीमच मंडी में बेचने, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिन से लहसुन के दाम गिरे हैं और 2 रुपये किलो तक आ गए हैं उससे हाहाकार मच गया है, किसानों में भारी नाराज़गी। और ये भी आपने सही कहा कि ये जो पूरा मामला है ये नीमच से लेकर दिल्ली तक मीडिया में छाया हुआ है और देश के सभी बड़े अखबारों ने अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, तमिल, मलयालम में इस खबर को सुर्खी बनाया है और प्रमुखता से इस खबर को छापा है कि किस प्रकार से लहसुन के दाम जो है मध्य प्रदेश के अंदर नीचे चले गए। और वास्तव में ये एक विचारणीय बात है कि जो इतनी इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, जो 35,000 हेक्टेयर में केवल नीमच जिले में जिसकी बुआई की जाती है, वो क्रॉप का भाव इतना नीचे चला जाना, और ये कैश क्रॉप मानी जाती है, किसान को जब रुपए की ज़रूरत होती है तो मंडी की तरफ रुख करता है, वो अपना फसल बेचता है और उससे रुपए लेके अपने दूसरे काम करता है। और ऐसे समय में जब उसके मंसूबों पर इस भाव ने पानी फेर दिया तो ये विषय देश में उठना चाहिए और सरकारों को भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। अब उसको जी बताएं कि जैसे भाव को लेकर जो वेरिएशन की बात कहते हैं, कहीं ना कहीं हर बार ये कहा जाता है कि उत्पादन अधिक हो गया, मांग और आपूर्ति का नियम इस पर लागू होता है, उस तरह की मांग या डिमांड नहीं है, तो वो जो कहने की भाव पे वो असर ज़्यादा डालती है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक वाजिब कारण है कि मांग और आपूर्ति का नियम लागू हो रहा है इसलिए भाव नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल असहमत हूँ। ये केवल एक अपनी इस जो औंधे मुंह गिरे हैं भाव इसको छुपाने के लिए बार बार एक ही बात की जाती है। आमतौर पे एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को कहता है, व्यापारी इस बात को कहता है कि बम्पर आवा के खपत नहीं है। अब मेरा आपसे कहना है कि पिछले साल 2017 में 34,500 हेक्टेयर में नीमच ज़िले में लहसुन बोई गई थी, 2018 में 35,000 हेक्टेयर में लहसुन बोई गई, तो 500 हेक्टेयर का फ़र्क है, तो उतनी ही लहसुन बोई जा रही है। और जब उत्पादन अगर बढ़ रहा है तो खपत भी तो बढ़ रही है, आबादी भी तो बढ़ रही है, दिन पे दिन ज़रूरत भी तो बढ़ रही है। दूसरी खास बात यह कि बीते 17 नवंबर को हमने खबर करी कि प्याज के दाम 25 रुपये किलो हो गए और आप ये देखें कि 15 दिन बाद प्याज 2 रुपये किलो 50 पैसे किलो बिक रहा, यही लहसुन का दाम 15 दिन पहले क्या था, और अचानक जब मंडी की तरफ किसानों का रुख होता है तो भाव डाउन हो जाते हैं। तो मैं बार बार एक विषय उठा रहा हूँ नीमच से दिल्ली तक, और मीडिया में भी प्रमुखता से आ रहा है कि जो फसल किसान के खेत में होती है उसके बाड़े में होती है तो उसका दाम गड्ढे में जाता है, लेकिन जैसे ही वो माल निकल के और व्यापारी के गोदाम में चला जाता है तो उसके भाव आसमान छूने लगते हैं। तो आखिर किसान से लेके व्यापारी तक ऐसा क्या होता है जिसके कारण इस भाव में इतना वेरिएशन आ जाता है? दूसरी एक खास बात है श्याम कि एक किसान बरसों बरस फसल खेती करता है, लहसुन उपजाता है, लेकिन उसकी दिशा और दशा दोनों ही वैसी ही रहती है जैसी 10 साल 20 साल 25 साल पहले थी, लेकिन जो लोग इसका धंधा करते हैं, जो इसकी खरीदारी करते हैं, बेचवाली करते हैं, वो दिन पर दिन तरक्की करते जाते हैं। आज 100-100 करोड़ के व्यापारी हैं यहाँ, 2 दर्जन से ज़्यादा शॉर्टेक्स लगे, देश विदेश के 40 देशों के अंदर नीमच से लहसुन और उसका पाउडर सप्लाई होता है। तो आखिर जिसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बड़ी हो, वो लहसुन का दाम जैसी आवक होती है गड्ढे में चला जाता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर बात होनी चाहिए, इसको सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए। शाम
सर बहुत खास बात बोली कि सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं किसान के पास जब रहती है उपज उसके पास तो दाम जीरो और या रुपए दो रुपए में हो, लेकिन जब व्यापारी और वहां से बाहर जाती है तो कई गुना बढ़ जाती है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता, जिस तरह कहा मंडी प्रशासन से बात करते हैं कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि मंडी में व्यापारी मिल करके अपने हिसाब से इसको चला रहे हो, भाव ताव करते हो, एक सिंडिकेट बना रखा हो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, खुली ऑप्शन है और ईमानदारी से सारा काम और पारदर्शी से सारा। तो क्या ऐसा नहीं है कि मिलजुल के कोई काम हो रहा हो, कोई कागज काम कर रहा है? देखो मैं आज दिन भर के अंदर एक जो प्रमुख डेवलपमेंट जो हुआ है वो ये हुआ है कि मीडिया में इस पूरे गोरख धंधे को लेके सीबीआई जांच की मांग उठी है, और मीडिया में अलग अलग फोरम पे मीडिया कर्मियों ने, पत्रकारों ने भी अपनी खबरों में इस बात को मेंशन किया है कि ये जो रेट्स का जो भारी फ्लक्चुएशन है नीमच मंदसौर और रतलाम की मंडियों के अंदर, ये गोरख धंधा जो चल रहा है इसके समूचे घटनाक्रम की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब मैं दूसरी खास बात बताता हूँ कि नीमच मंडी 52 बीघा में फैली हुई है। इस मंडी में आज करीब 20,000 बोरी लहसुन की आवक थी, इसके 10,000 बोरी प्याज की आवक थी, इसके अलावा 40 जिन से और जिनकी भी आवक थी। लेकिन अगर मंडी अमले की बात करें तो इस नीमच मंडी में एक सेक्रेटरी है, 23 नाकेदार हैं, 17 चौकीदार हैं और 4 इंस्पेक्टर हैं। इन सबको गिन ले तो ये 55 होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि 20,000 बोरी जिस मंडी में रखी हुई हो लहसुन की, इसके अलावा हजारों बोरी दूसरी जिन से, ये 55 लोगों का अमला क्या करेगा? एक दूसरी बात है कि नीमच का रहने वाला आदमी और किसान आम आदमी बखूबी जानता है कि जब नीलामी होती है तो किस तरह आंखों ही आंखों में नाकेदार और व्यापारी की बात होती है और ढेर को 1-2-3 कर दिया जाता है, और शाम को जाके नाकेदार अपने हिसाब के पैसे व्यापारी से ले आता, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। तो ये रैकेट है, एक पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो रहा है कि किस तरह औने पौने दामों पर किसानों की बेशकीमती फसल को खरीदा जाए। तो जो लोग इस काम को कर रहे हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और मीडिया ने जो आज बात उठाई है वो बिल्कुल जायज और वाजिब उठाई है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने खुद ने भी आज अलग अलग फोरम पे मीडिया में, हिंदी अंग्रेजी मीडिया में, विजुअल मीडिया में, जहां भी मेरा फोन हुआ, मेरे से बातचीत हुई, मैंने भी ये मांग उठाई है कि आखिर इतने साल से ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसका खुलासा होना चाहिए कि ये रैकेट है क्या, कैसे ये चीजें हो रही है, इसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। जैसे ही फसल आती है भाव गिर जाता है, और आप कहते हो बंपर आवा के और मांग और आपूर्ति का नियम है, जबकि ये सरासर गलत बात है। नहीं, आपने बहुत बड़ी बात कही कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया और बड़ी मांग भी है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। वाकई में लगता भी है कि कहीं ना कहीं व्यापारी जो है दिन ब दिन तरक्की करते जा रहे हैं, करोड़ों में होते जा रहे हैं, और किसान जो उसको बोने वाला वो आज वहीं भी है। अब जो एक खास बात जो अपन इस पूरे इसमें एक इशू में देखें कि लहसुन को लेकर बार बार कहा जाता है कि वो क्वालिटी को लेकर के भी बात उठाते हैं या उसकी मांग और आपूर्ति जैसी चीज़ें उठाते हैं, तो क्वालिटी और ये सारी चीज़ें जो है वो सालों से सरकार या प्रशासन और सारी चीज़ें बातें करते हैं कि हम किसानों को उन्नत किसान बनाने के लिए सारा काम कर रहे हैं, अमला भी लगा हुआ, कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ, उद्यानिक विभाग लगा हुआ, तो क्या किसान भी क्या जागरूक नहीं हो पाए या उस तरह की सुविधा उसको नहीं मिल पा रही है कि वो बाजार में उस तरह की चीज लेके आ पाए या ग्रेडिंग कर पाए कुछ चीजें हैं? देखिए श्याम, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये सब सारे सवाल मांग और आपूर्ति के और गुणवत्ता के उसी समय कब उठते हैं जब बम्पर आवक होती है, जब भाव ओंधे मुंह गिरते हैं, तब उसको उसका उस काउंटर करने के लिए ये मुद्दे उठाए जाते हैं और कह दिया जाता है आज किसी प्याज का भाव 50 पैसे किलो रह गया, किसान फेंक के चला गया, आपने कह दिया क्वालिटी ठीक नहीं। क्या मेजरमेंट है, क्या है आपके पास जिसके आधार पर आप ये तय करोगे कि इसकी क्वालिटी सही है या गलत है? केवल आप अपनी नजरों से देख के किसी को भी सही कह दोगे, किसी को गलत कह दोगे? क्या मंडी प्रशासन का, उद्यानिकी विभाग का कोई अफसर मौजूद होता है जो ये तय करेगा कि इसकी क्वालिटी ए बी सी डी है? चंद लोग मंडी के जो बड़े बिग हैंड्स हैं जो इन कारोबारों में डील करते हैं वो अपने इशारे पे मंडी चलाते, वो अपने मुआफिक काम करते हैं, वो चाहे जिस किसान के माल को अच्छा और चाहे जिस किसान के माल को रद्दी करार देते हैं, और ये गोरख धंधा बरसों से चल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले की, जैसा कि आज पूरे देश भर के मीडिया में बात चल रही है, इस गोरख धंधे की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके कि आखिर इस पूरे मामले में होता क्या है और कौन कौन लोग शरीक हैं,
क्या नाखेदार इसमें शरीक है, मंडी प्रशासन शरीक है, और कौन से बड़े व्यापारी है जो इस पूरे धंधे को अपने हिसाब से ऑपरेट करते हैं, जब चाहे भाव बढ़ा देते हैं, जब चाहे घटा देते हैं। लहसुन को लेकर जो जिस तरह का बवाल सा मचा हुआ है, और हुकूमत से लेकर के दिल्ली की मीडिया में लहसुन के भाव ऊंधे मुंह पर जाने का जो मामला है वो पूरा सुर्खियाँ बटोरे हुए है, उस पर एक बड़ी बात जो है यहाँ मसवा जी ने कही है कि सीबीआई जांच इस पर मामले में होनी चाहिए, क्योंकि व्यापारी जो है दिन ब दिन लहसुन व्यापारी वो करोड़ोंपति होता जा रहा है और किसान आज भी वहीं का वहीं है। क्या जो है सरकार इस ओर कोई गंभीरता से इस मामले को लेती है, या प्रशासन या सरकार में बैठे हुए लोग इसको लेते हैं, और ये मामला कहाँ तक जाता है, और क्या किसानों को आने वाले समय में इन पूरी चीज़ों से राहत मिल पाती है और उसको वाजिब दाम मिल पाता है, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा बनता है, मुद्दा भी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है हजारों हजार किसान लहसुन का उत्पादन करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था भी इस पर निर्भर करती है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ के लिए शाम गुर्जर।